बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र का बोर्ड लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। बेकाबू हुए विवाद में हुई फायरिंग में एक दलित युवक की गोली लगने से मौत और दो लोग घायल हो गए। मृतक युवक के परिजनों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र के नीचे शव रखकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि युवक की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है। इसी को लेकर गांव के लोग विरोध प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी दल बल के साथ गांव पहुंच गए और पुलिस वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग पर अड़े परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया तथा घायलों को इलाज के लिए तथा शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। घटना पश्चिम उत्तर प्रदेश के रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र के सिलई बड़ा गांव की है, जहां भूमि के एक टुकड़े पर बाबा साहब अंबेडकर के चित्र का बोर्ड लगाने का दूसरे पक्ष ने विरोध किया। दलित समाज के लोग वहां पर बाबा साहब अंबेडकर का नाम से पार्क बनाकर उनकी मूर्ति स्थापित करना चाहते थे, जबकि इसका विरोध कर रहे पक्ष का कहना था कि ये जगह खाद का गड्ढा है और ग्राम समाज की है। इसी को लेकर हुए बवाल में हुई फायरिंग में एक दलित युवक की गोली लगने से मौत हो गई तथा दो लोग घायल हो गए। मृतक युवक के परिजनों ने पुलिस की गोली लगने से युवक की मृत्यु होने का आरोप लगाते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र के नीचे शव रखकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और विरोध प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी दल बल के साथ सिलई बड़ा गांव पहुंचे और पुलिस वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग पर अड़े परिजनों को समझाने की कोशिश की। इस बीच घटना से जुड़े एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसमें पुलिस वाले लाठी चार्ज करते व पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी देन है आज, अगर मैं कुछ बन सकता हूँ तो इन्हीं की देन है। हाँ। अगर ये कमांडो इतने लोग आए हैं तो इन्हीं की देन है, सब सब बाबा साहब की देन है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने वोट गाड़ दिया, हमारे विपक्ष गंगवार बहुत लोग हैं, मैं एक एक करके नाम नहीं गिना सकता आपको, ठीक है। यहाँ पर आज SDM पता ना कौन कौन आई थी, मैं रिक्शा चला रहा था, मैं रिक्शा चला के आया जैसी घर, मेरे रास्ते में खबर पड़ी मेरा भाई एक्सपायर हो गया। मुझे इतना दुर्भाग्य की बात हुई, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं चक्कर आने लगे, मैं फिर भी घर तक आया। गोली चलाई किसी ने? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं घर तक आया, मुझे घर यहाँ पर यहाँ पर सीधे दो लोग पुलिस वाले, एक का नाम आदेश चौहान, एक का नाम ऋषि पाल, हमारी चौकी पे रहते हैं। इन्होंने ऊपर चढ़े और यहाँ पर गंगवारों के कहने से शूटिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी, बेहिसाब दे दनादन फायरिंग की है उन्होंने, जिसमें मेरे एक भैया घायल खत्म हो गया। यहाँ पर सुमेश कुमार इसका नाम है, इसके पापा का नाम श्री केंद्र लाल, एक मेरा पड़ोसी अमित, एक मेरा भैया अमित है और एक मेरा पड़ोसी गांव का, मेरी कास्ट का है, उसके भी गोली लगी है। तीन लोग इसमें, दो घायल हुए, एक मेरा भैया एक्सपायर हो गया ये। और हमारे पास ना कोई जमीन ना कोई कुछ, रिक्शा चलाकर हम अपना पेट पालते थे। और आज भी आप मेरे घर जाके देख लो, रिक्शा खड़ी है, मैं अभी भी रिक्शा चला के आ रहा था, रास्ते में मुझे ये मिली बात। बेकाबू हुई स्थिति को संभालने के लिए DIG मुरादाबाद व मंडल आयुक्त मुरादाबाद सिलई बड़ा गांव पहुंचे और परिजनों से बात कर उन्हें हर संभव मदद करने व दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर मृतक के परिवार वाले शांत हुए और पुलिस ने युवक शव पोस्टमार्टम के लिए तथा घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया। दरअसल यहाँ पे खाद के गड्ढे की एक जमीन थी जिसको बीच में पाट कर समतल किया गया और उसके बाद वहाँ पर यहाँ पे लोगों की मांग थी कि यहाँ अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की जाए या पार्क बनाया जाए, उसको लेकर शिकायत हुई थी, जिस पे प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई के लिए भेजा था। और वहाँ पर क्या घटना हुई इन सब की जांच होगी, लेकिन इस बीच में जैसा कि तहरीर भी दिया है परिवार ने कि गोली चली और उसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई, उसमें इस पूरे घटनाक्रम पे इसीलिए मैं स्वयं आया, इस पर जाँच भी की जाएगी। जो परिवार की तहरीर है और मांग है वो हमें प्राप्त हो गई है, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा सब पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की गोली से जो है युवक की मौत हुई है, ये हमें मिला है, इस पे ये जांच के दौरान ये सारे मामले आएंगे, जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। सर, घायल भी कुछ लोग? हाँ, दो लोग घायल, दोनों के घायल होने के भी है, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है
और परिवार को एश्योर किया गया है, परिवार मजदूर परिवार है, उसको आश्वासन दिया गया है कि जो भी समुचित सहायता होगी उनको हम प्रदान करेंगे। गांव में स्थिति कैसी है? ठीक है, गांव में स्थिति बहुत ख़राब नहीं है, सब कुछ सामान्य है और अब इसके बाद और भी सामान्य हो जाएगी, जो चीज़ें हैं हम उस पर कार्रवाइयाँ करेंगे, उसके बाद सब सामान्य हो जाएगा। अच्छा सर, परिवार के लोगों को कहना है कि परिवार को एक व्यक्ति को कोई सरकारी नौकरी दी जाए? देखिए, वो मांग तो उनकी सारी है, हमने कहा है कि सब पे विचार करेंगे और जो जो सबसे पहले ज़रूरत अभी यह है कि जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम हो, घटना कम से कम ये पता चले कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इसकी जाँच भी हो, जो अगर ज़्यादती या कहीं पर गलती मिलती है उसमें जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, सबसे पहली प्राथमिकता ये है। उसके बाद मैंने एश्योर किया है कि उनकी सारी मांगों पर हम कार्रवाई करेंगे। तो सर, इसकी जांच के लिए कोई कमेटी गठित की जाएगी क्या? हाँ, उस पर कमेटी गठित की जाएगी जिलाधिकारी के द्वारा, उस पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी की जाएगी और इसमें सारे पहलू को देखा जाएगा, क्यों ये घटना घटित हुई, उसमें कौन दोषी था। उन लोगों ने भी लिख के दिया है कि उस खाद के गड्ढे की ज़मीन थी, तो खाद के गड्ढे की ज़मीन पे क्यों इस तरीके का मसला आया, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। सर, फिलहाल सर क्या एक्शन लिया गया है सर? फिलहाल तो अभी देखिए, अभी पहले पोस्टमार्टम आ जाए, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए जो कल तक आ जाएगी, उसके तत्काल बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है सर।